कल जब मैं ऑनरेबल जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच की कोर्ट में बैठा हुआ था, तो जब एक सीनियर एडवोकेट्स थे जो कि एक मैटर पर आर्गुमेंट कर रहे थे, तो उसमें वो बार बार यो लॉर्डशिप और माई लॉर्डशिप का जो शब्द है उसका यूज कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा लफिंग भरा माहौल हुआ कि ऑनरेबल जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि यदि आप मुझे यो लॉर्डशिप या माई लॉर्डशिप शब्द से पुकारना बंद कर दोगे तो मैं आपको अपने महीने की आधी सैलरी दे दूंगा। इस शब्द को लेके काफी टिप्पणियां हुई हैं, कई हाई कोर्ट्स ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट्स ने भी बोला है कि आप जो हैं, हमने आपसे कब कहा कि आप मुझे योर लॉर्डशिप या माई लॉर्डशिप शब्द से पुकारें या संबोधित करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हमें सर बोलिए या कोई भी ऐसा शब्द हमें बोलें जो कि हमें रिस्पेक्टफुल लगे, तो आप कोई भी शब्द जो है यूज कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसको रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन निकाला था कि आप जो हैं किसी भी बेंच को माई लॉर्डशिप या योर लॉर्डशिप करके आप संबोधित ना करें। लेकिन वो एक प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकली हम कोर्ट में काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता, मुझे 1% भी नहीं लगता कि कोई एडवोकेट सर बोल रहा है, हमेशा योर लॉर्डशिप, माई लॉर्डशिप, माई लेडीशिप। ठीक है, तो इसी शब्दों से जो है पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। तो ये जो है कस्टम्स जो है ब्रिटिश का टाइम से जो है चली आ रही है, और उसी को हम जो है कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, और जरूरत है आज इसको बदलने की। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, कई बार हाई कोर्ट्स भी जो है विभिन्न स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी बोल चुके हैं कि आप जो है हमें लॉर्डशिप या फिर माई लॉर्ड शब्दों से संबोधित करना बंद कर दें।